वही बात करें मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे पीजी नाम की बहुत रिपेट आ गई है। मगध यहाँ पे पीजी और एडमिशन की जो डेट है यहाँ पर बात करें 27 से 25 में यहाँ पे नामांकन लेने के लिए आवेदन की यहाँ पर तिथि फॉर्म आवेदन की तिथि यहाँ एप्लीकेशन के फॉर्म यहाँ पे 25 मई तक बढ़ा दी गया है। अब तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 2022 का जो सत्र यहाँ पर निकला था उस नामांकन की उसको लेकर के यहाँ पर सेकंड मेरिट भी जारी कर दी है जिस तो पीजी की आ गई है। तो सेकंड मेरिट कैसे चेक करोगे, जिनका नाम आए वो आगे क्या करेगा, जिनका नाम नाम नहीं आया तो वो क्या करेंगे बताएंगे पूरी जानकारी, तो वीडियो पूरा देखना। तो यहाँ पे अभी बहुत बैठा के देख पा रहे हैं मगध की तरफ से यहाँ पर पीजी नामांकन को लेकर के सेकंड मेरिट यहाँ पर दोस्तों रिलीज़ हुई। बात करें मगध यूनिवर्सिटी में पीजी में नामांकन के लिए आवेदन करने की यहाँ पर दी थी दोस्तों बढ़ी, जो कि आपने देखा है यहाँ पर क्या 25 मई तक आवेदन आप कर सकते हो। इसके साथ साथ बात करेंगे छात्री को ध्यान में रखते हुए पीजी के साथ यहाँ पे 23 से 25 में नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि यहाँ पे 25 मई तक बढ़ा दी गई। और उसी दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी के यहाँ पर DSW प्रोफेसर ब्रजेश राय ने बताया कि इसी तरह 27 से 24 में ऑनलाइन नामांकन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट व EWS के अभ्यर्थियों के लिए भी नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट यहाँ पर 13 मई को मगध यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर प्रकाशित कर दी जाएगी। दोस्तों बात करें यहाँ पर 13 मई यहाँ पे प्रकाशित दोस्तों हो चुकी है, यहाँ पे 13 मई आज है तो यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रकाशित हो गई। जो बताते हैं कैसे यहाँ पर मेरिट लिस्ट आप चेक करोगे सेकंड मेरिट लिस्ट, और भी दोस्तों बताएंगे जिनका मेरिट में नाम आ गया वो आगे क्या करेंगे, जिनका नहीं आया वो भी। तो आपको मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले मगध यूनिवर्सिटी सर्च कर लेनी है यहाँ पे गूगल पर सर्च दोस्तों, नीचे आइएगा वेबसाइट मिल जाएगी आपको magadhuniversity.ac.in दोस्तों। ये वेबसाइट इस वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आइए सबसे पहले चल के कुछ नोटिस सेक्शन दोस्तों पर नोटिस चेक कर लेते क्या कोई नोटिस यहाँ पर अपडेट हुई है अभी या नहीं। तो नहीं दोस्तों फिलहाल तो नोटिस का अपडेट नहीं, नोटिस तो यहाँ पर 11 मई तक का ही दिखा रहा है देख रहे हो। चलो तो यहाँ पर दोस्तों आ जाइए, इस फील्ड पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पर नीचे यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करके एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म जिस पोर्टल के थ्रू आपने अप्लाई किया तो उसी पोर्टल पर आपको आ जानी है नामांकन पोर्टल पर। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मेरी चेक करने का, यहाँ जिसमें बात करें एप्लीकेंट लॉगिन देख पा रहे एप्लीकेंट लॉगिन पीजी यूजी मत करना पीजी ठीक है, इस एप्लीकेंट लॉगिन पीजी इसी एप्लीकेंट लॉगिन आपको दोस्तों मिलेगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना होगा बेसिकली अपना यूजर नेम डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा रखे यहाँ पे सर्च पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब अगर पासवर्ड फॉरगेट कर गए हो नहीं आपके पास यूजर नेम भुला गया तो आपको मगध जाना होगा, क्योंकि आप वेबसाइट देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर सर्वर डाउन है यहाँ पे दोस्तों अपडेट इस पर नहीं किया गया है। तो आप अपने से यहाँ पर बात करें यूजर नेम पासवर्ड निकाल नहीं सकते हैं, उसके लिए अगर भूल गए हो तो आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफिस क्योंकि बोध गया में वहीं सबको प्राप्त करना पड़ेगा। तो लॉगिन दोस्तों करिए यहाँ पर फिर आगे बताते हैं। अभी दोस्तों लिंक हमने यहाँ पर ऐड दे दिया स्टूडेंट लॉगिन का, कुछ चेक करने का लिंक जैसे मेरे लिस्ट का वो मिल जाएगा हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, राइट लिंक यहाँ पर दिया गया है ठीक है मिल जाएगा लिंक चैनल के व्हाट्सएप से मिल जाना वहाँ टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। आप इससे लॉगिन यहाँ पर करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको अपना ऑफरेटेड राउंड करना है जो दोस्तों सही सुनने बिल्कुल ऑफरेटेड राउंड वहाँ पर कर लेनी है आपको। उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में कितना संख्या बना है, कितना नंबर है, तो सारी डिटेल्स वहाँ पर मिलेगा। कितने बजे जाना है एडमिशन लेने के लिए दोस्तों, कब तक ले सकते हैं, लास्ट डेट के साथ सब कुछ। वैसे हालांकि हम बात करें 13 मई यहाँ पे सेकंड मेरिट एडमिशन लेने की लास्ट डेट दोस्तों बात करें यहाँ पर आप रखो 18 मई जिससे 18 मई तक नामांकन ले लो, तो 18 से 20 मई आप रखें यहाँ पर लगभग तो 18 से 20 मई दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट डेट है सेकंड मेरिट नामांकन लेने की ठीक है। आप 18 मई से 20 मई तक आप ले सकते हो, 18 मई तक ले लो बहुत ही अच्छा रहेगा ठीक है। चलो प्रिंट बटन आपको क्लिक करके इस ऑफर को रखो, प्रिंट आउट दोस्तों निकाल लेनी है। निकालने के बाद क्या करोगे आपको डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पे लगेगा, बात करेंगे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका CRC लगेगा और पार्ट 3 पार्ट 2 का मार्कशीट, UG का फाइनली फर्स्ट थी और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का फोटो कापी और इंटर बैठे का दोस्तों मार्कशीट जिसमें दोस्तों वो आपको लगेगा। उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट दोस्तों ले जाना आपको जो कॉलेज अलॉट हो उस कॉलेज में या कॉलेज डिपार्टमेंट में जा करके आपको ले जाना है ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ले गए फिर डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो उसको कॉलेज जो भी आपको अलॉट हुआ उस कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज के डिपार्टमेंट में आपको दोस्तों उसमें गोपनीय नंबर एक मिला होगा, ऑफर आइटम में कॉन्फिडेंशियल नंबर लिखा रहता है, उसी कॉन्फिडेंस नंबर आप दोगे तो यहाँ पर वेरीफिकेशन हो जाएगा। तो जो फिजिकल वेरीफिकेशन उसके लिए आपको खुद जाना होगा, किसी दूसरा का भेज नहीं सकते हो ठीक है, जाके वो वेरीफिकेशन कराना है। इसका दोस्तों क्या होगा आपको यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ फिर से दोस्तों लॉगिन करना है और आपको स्क्रीन दोस्तों दिखाई देगा ठीक है। आपको उस पर रजिस्ट्रेशन बटन पर आप क्लिक करना है, तब क्या करना दोस्तों आप कॉलेज ने वेरीफाई कर लिया, अब आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर दोस्तों जाके लॉगिन अभी किया था सर्टिफिकेट लॉगिन उसी पर आगे क्लिक करके फिर उसी में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा, आपको उसी में रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन अब कर लेनी है। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन दोस्तों बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन दिखाई देगा, रजिस्टर नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर बात करें प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे दोस्तों खुल जाएगा, उससे पेमेंट करना है, पेमेंट आप जीपे फ़ोनपे आप UPI वॉलेट से कर सकते हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा। तो बात करें विभिन्न तरह का भुगतान है, UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप उससे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 600 रुपये या 450 रुपये का भुगतान करना होगा। जनरल OBC को यहाँ पर 600 और SST को 450 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। चलो कर दिए, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, ये वन टाइम बार बार नहीं करना है।
अब बात करें लास्ट, एक बार भुगतान जो सफल राउंड हो जाने पर हो जाएगा भुगतान, तो दोस्तों उसका बात करें रिसिप्ट भी यहाँ पर पेमेंट का रिसिप्ट भी आपसे राउंड अप कर लोगे तुरंत, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन दोस्तों बात करें भुगतान पर्ची, उससे जो रजिस्ट्रेशन जो किया उसका पेमेंट रिसिप्ट, वो दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे एडमिट कार्ड देख पर प्रवेश पंजीकरण सा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी आपकी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ फिर क्या करना, ऑफर लेटर के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको कॉलेज में जा करके वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए आपको विकल्प दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे विकल्प आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑप्शन चाहिए रजिस्ट्रेशन का दोस्तों बात करें करने का और पेमेंट का, उसके लिए ऑफर लेटर के साथ आपको जाकर डॉक्यूमेंट जो आपने बताया पीजी पीजी मेट्री इंडिया का सब डॉक्यूमेंट्स रख लोगे, जाके कॉल में वेरिफिकेशन कराओगे, देन ऑप्शन मिल जाएगा। देन उस ऑप्शन जब मिलेगा तो आपको उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आपको करना है। और जैसे कि हमें उस रेट बढ़ा बता दिया आपको, रेट यहाँ पर अभी बढ़ा दी गई है, तो रेट आपके पास फिलहाल है यहाँ पर। एक बार दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दोस्तों ये वेबसाइट है, आपको उस पर क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने लिख हमने दे दिया है। देखो दोस्तों फिलहाल अभी एक्टिव नहीं की गई, आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी तो हर सेकंड में लिस्टें निकली है, तो एक्टिव में बहुत जल्द हो जाएगी, जैसी होगी वीडियो फोन चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ये थी बात करें दोस्तों मगध सिटी पे पीजी सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब इनका नाम नहीं आया तो वेट करिए, थर्ड मेरिट बात करें यहाँ पर लगभग लगभग आप रखो 22 मई, जो 22 मई के बाद ही यहाँ पे थर्ड मेरिट आने की उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक करिए, आखिर से पाने के चैनल से बने रहें।